योर मनी और हमारे साथ योर मनी बातचीत करने के लिए आज ऋषभ सर मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत कर रहे हैं खासतौर से अलग अलग स्ट्रैटेजीज को लेकर, अगर आप फिक्स इनकम चाह रहे हैं तो, और साथ ही साथ हम दर्शकों के सवालों के जवाब भी ले रहे हैं। तो अब जाने से पहले ऋषभ सर, आपकी तरफ से टॉप 4 फंड कौन से होंगे? सुमित जी, क्योंकि आज हमने डेट एज अ टॉपिक चूज किया है, तो मैं 4 फंड्स डेट म्यूचुअल फंड्स की मेरे टॉप 4 फंड्स में देना चाह रहा हूं। मैं कोटक कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, HDFC कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ICICI प्रूडेंशियल कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड और आदित्य बिरला सनलाइफ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड, ये मेरे 4 पर्टिकुलरली डेट म्यूचुअल फंड्स में टॉप 4 फंड्स है आज के लिए। ऋषभ सर, एक सवाल अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पे कि क्या 4 अलग अलग AMCs के फंड लेना सेफ रहेगा? कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है इन AMCs के साथ, या SBI के साथ जाना ज़्यादा बेहतर है, HDFC बैंक के साथ ज़्यादा बेहतर है? ऐसी भी दिक्कतें आपको भी मिलती हैं क्या आमतौर पे? सुमित जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। ऐसे काफी हमें सुनने को और समझने को भी मिलता है कि जो इन्वेस्टर का जो साइकोलॉजी है, यूजुअली जो रिटेल सेगमेंट है, जो Tier 2, Tier 3 सिटीज में जो रहते हैं, दे आर मोर कंफर्टेबल टूवर्ड्स SBI, HDFC, राइट? बट ऐसा यूजुअली नहीं देखना जी, क्योंकि क्या रहता है ना, ये AMCs बहुत ही बड़े AMCs है, जिन्हें मैंने जो नाम लिए, कोटक, HDFC, ICICI, आदित्य बिरला, दीज आर टॉप AMCs ऑफ आर कंट्री। ये टॉप 5, टॉप 10 में आ जाते और इनके एसेट्स अंडर मैनेजमेंट आर ह्यूज, इन लैक्स ऑफ करोड़ में जाते। सो जब भी आप कोई प्रोडक्ट चूज करें ना, उनका पोर्टफोलियो क्या है वो देखना ज्यादा जरूरी है। सो ये जो 4 फंड्स मैंने जो सजेस्ट किए, दीज आर ऑल AAA, कॉम्बिनेशन ऑफ AAA रेटेड इंस्ट्रूमेंट्स और सॉवरेन ग्रेड, तो सेफ्टी बहुत ही अच्छी है, इनका AUM भी हजारों करोड़ में जा रहा है। सो मेरे हिसाब से आई डोंट सी एनी इश्यू कि अगर कोई ये 4 फंड में भी कोई निवेश करता है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मगर अगर कोई बहुत ही कंजर्वेटिव है, मान लीजिए कि इन्हें ये सब समझ में नहीं आ रहा है, तो सिंपल आप RBI के बॉन्ड्स आप ले सकते हो, या फिर आप SBI में एक FD भी कर सकते हो। आपके दिस इज मोर ऑफ अ साइकोलॉजिकल सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, जो कंजर्वेटिव ये समझ नहीं पा रहे, तो आप फ्रॉम अ साइकोलॉजी सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आप FD करिए, या फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के आप बॉन्ड्स भी ले सकते हैं। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू आपको सब में मिलेगा और आप उसी हिसाब से ही अपनी निवेश की रणनीति बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषभ सर, तमाम तरह के टॉपिक्स पे हमसे बातचीत करने के लिए और वाइड वैरायटी ऑफ टॉपिक्स पे हमसे डिस्कशन करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए और मौजूद रहने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद लौटते हैं और खबरों का सिलसिला आगे भी बना रहेगा।